आज हम डिस्कस करेंगे कैलाइडोस्कोप के बारे में. कैलाइडोस्कोप क्या है? कैलाइडोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच वी कैन सी चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ अ सिंपल डिज़ाइन. कि हम कोई भी सिंपल डिज़ाइन लेते हैं तो उनके पैटर्न को चेंज होता हुआ देखेंगे. जैसे कि यहाँ हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है और ये कैलाइडोस्कोप से लिया गया एक इमेज सा है कि इसमें देखें पैटर्न बार बार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, डिज़ाइन मुख्तलिफ किस्म के हमें नज़र आ रहे हैं. तो कैलाइडोस्कोप यही करता है कि डिफरेंट डिज़ाइन को चेंज करके दिखाता है. जिस तरह से इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये एक सिंपल सा कैलाइडोस्कोप दिखाया गया है जो बच्चों के खेलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पे एक सुराख सा नज़र आ रहा है. यहाँ से जब आंख रख के देखा जाता है तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने पहले डिज़ाइंस डिफरेंट चेंज होते हुए देखे थे, इसमें भी इसी तरह से चेंज होते हुए पैटर्न नज़र आते हैं. और किस असूल पर यह काम करता है? ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे. मल्टीपल जैसे कि इससे मुराद है मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा जब रिफ्लेक्शन हो रही हो, ज़्यादा रिफ्लेक्शंस हो रही हो, तो उसे कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन. इसके अंदर होता क्या है, जब आपके पास मोर देन वन इमेज बन रहे हों तो उसको कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन. तभी उसके इस कैलाइडोस्कोप के अंदर क्या होता है, चेंजिंग पैटर्न्स हमें नज़र आते हैं. अब इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, यानी कि इसकी बनावट की बात करें, किस किस चीज़ से मिलके ये बनी होती है, तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है होलो ट्यूब, यानी कि खाली, अंदर से खाली ये हमें ट्यूब चाहिए सबसे पहले. तो फर्स्ट थिंग क्या चाहिए हमें, होलो ट्यूब. और इसके अंदर क्या होंगी, कंटेनिंग टू और मोर रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर. तो दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, मिरर्स चाहिए हमें. यहाँ हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर बना दिया है. रेक्टेंगल किसे कहते हैं, मुस्ततील को, जिसकी दो लेंथ एक जैसी होती हैं और बाकी दो लेंथ ये जो हमें मिल रही हैं ये इससे, इन दोनों से बहुत बड़ी होती हैं, यानी कि इनकी चारों की आपस में लंबाई बराबर नहीं होती. तो इस तरह के प्लेन मिरर्स चाहिए होते हैं. और थर्ड थिंग जो हमें रिक्वायर्ड है वो है जी क्लियर ग्लास. तीसरी चीज़ हमें जो चाहिए वो क्लियर ग्लास है. वो इसके इस आई वाले, जहाँ पर हम आंख रख के देखेंगे, आई पीस उसको कहा जाता है, जहाँ से आंख की मदद से हम अंदर देख सकते हैं उसको आई पीस कहते हैं. यहाँ पे एक क्लियर ग्लास लगाया जाता है और एक एंड पे यहाँ पर एक ग्लास लगाया जाता है, इसको एंड कैप भी कहते हैं. और यहाँ पर रखे जाने वाले ग्लास को ग्राउंड ग्लास का नाम भी देते हैं. ये क्लियर ग्लास इस तरह की डिस्क शेप के हमें चाहिए, बिल्कुल इस तरह से कि इन जगहों पे ये फिट आ सकें. तो इनकी शेप क्या है, डिस्क नुमा, यानी कि बेजवी. इस तस्वीर में हम कैलाइडोस्कोप के अंदर का सारा हिस्सा देख रहे हैं. तो कैलाइडोस्कोप जो है वो अगर देखें तो एक साइड से हमें नज़र आ रहा है कि आईपीस मौजूद है जहाँ से हम अंदर देख सकते हैं. जो प्लेन मिरर हैं उनको हमने इस तरह से अरेंज करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है कि ये मिरर्स फिक्स होंगे एक दूसरे के साथ 60 डिग्री या 45 डिग्री एंगल पर. और किसके अंदर हमने फिक्स किया हुआ है, ये कार्डबोर्ड ट्यूब लिखा हुआ है या हॉलो ट्यूब जो है उसके अंदर हमने इन तीनों मिरर्स को फिक्स किया हुआ है. उसके बाद ये एंड कैप है जहाँ पर एक क्लियर ग्लास लगाया जाता है और इसके दरमियान में ये गैप नज़र आ रहा है. इस गैप में मुख्तलिफ कलर ऑब्जेक्ट्स को, ये स्मॉल पीस ऑफ कलर ऑब्जेक्ट्स हम रख सकते हैं या पेपर रख सकते हैं इस एंड वाले हिस्से में यहाँ पर. तो एंड कैप पे और आई पीस पे जो हमने ग्लास रखे हुए हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे. द क्लियर ग्लास इज क्लोज टू आई, यानी कि यहाँ पर आंख के करीब बिल्कुल क्लियर ग्लास होगा, साफ सुथरा. अब ये तीनों जो मिरर्स हमने एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं ये कितने एंगल पे जोड़े हुए हैं, ये 60 डिग्री या 45 डिग्री पे. तो किस तरह से ये जोड़ा जाता है ये हम देख लेते हैं.
जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तीनों मिरर्स रखे हुए हैं, इनको इस तरह से जोड़ के टेप के साथ इस तरह से ट्रायंगल बनाई जाती है। ट्रायंगल बना के और इनको आपस में फिक्स कर दिया जाता है। इसको दोबारा से देख लेते हैं कि ये तीनों मिरर्स हमारे पास मौजूद थे, इनको हमने जोड़ा है, इस तरह से जोड़ा है कि ये क्या बन गई है, आपस में ट्रायंगल सीन की बन गई है। तो इस तरह से हम इनको फिक्स कर देंगे, जोड़ देंगे उस होलो ट्यूब के अंदर रखने के लिए। बिल्कुल जिस तरह से हमें यहाँ नजर आ रहा है कि तीनों मिरर्स को हमने इस तरह से जोड़ा है कि यहाँ पर एक आपको ट्रायंगल सी नजर आ रही होगी, तो इस तरह से हमने इन प्लेन मिरर्स को आपस में जोड़ देना है। और यहाँ पर जब हम डिफरेंट कलर के बीड्स डाल देते हैं या ऑब्जेक्ट्स डाल देते हैं या पेपर डाल देते हैं, तो इसके अंदर मल्टीपल इमेज जो है वो फॉर्म होंगे और चेंजिंग पैटर्न हमें नजर आएंगे। किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल पीसेस हमारे पास मौजूद हैं, डिफरेंट कलर्स के मौजूद हैं, इनको क्या करेंगे, एंड कैप के पास बिल्कुल हम डाल देंगे और फिर हम देखेंगे डिफरेंट पैटर्न्स को। जी यहाँ पर हमने इनको क्या करना है, प्लेस करना है। एंड कैप के पास हमने इनको डाल दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट पैटर्न्स हमें नजर आएंगे। ये हमने इसको बंद कर दिया, उसके बाद ये हमारे पास तैयार हो गया है कैलेडोस्कोप। और ये हम देख रहे हैं कि पैटर्न्स हमें चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ पैटर्न्स हम देख रहे हैं कि हमें बनते हुए इसमें नजर आ रहे हैं उन कलर पीसेस की वजह से। तो पैटर्न्स बार बार चेंज होते हुए हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो आज हमने स्टडी किया कैलेडोस्कोप के बारे में, जिसमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हमने स्टडी किया है जिसके अंदर चेंजिंग पैटर्न्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।